गंगा जमुना तहजीब का आदर्श उदाहरण देपालपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया। दरअसल बात यह कि नागरिक संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में जिस प्रकार से आंदोलन प्रदर्शन जारी है, उस प्रदर्शन का विरोध करते हुए अपना आदर्श परिचय देते हुए न रैली न जलूस न धरना प्रदर्शन एक सादे अंदाज में जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को ज्ञापन देने का निर्णय समाजजनों ने लिया। देश में जो नागरिकता कानून विधेयक अभी पास हुआ है उसके विरोध में ज्ञापन दिया है। बड़े ही शांतिपूर्वक मस्जिद के अंदर उन्होंने ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन जो दिया है उसको राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। देपालपुर के लिए मिसाल है कि यहाँ के जो हिंदू मुसलमान जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो एक तौर पर मिसाल के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। CA और NRC का जो हमको विरोध करना था, एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसक तरीके से हमने प्रदर्शन करके मस्जिद में और प्रशासनिक अधिकारियों को वहीं पर बुलाकर, हमने कोई रैली जुलूस जलसा नहीं करते हुए वहीं पर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर और ज्ञापन सौंपा है। इस कानून की हम बहुत मजम्मत करते हैं, पुरजोर खिलाफत करते हैं और संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करें। पालपुर के मुस्लिम समाजजन मस्जिद में एकत्रित होकर जुम्मे की नमाज के बाद एक ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, जिसे तहसीलदार साहब ने प्राप्त किया है और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से मस्जिद के अंदर ही इन्होंने ज्ञापन दिया है। NRC और CA बिल के विरोध में जिसे प्राप्त किया गया है और ये सिर्फ देपालपुर नगर की ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश या हम पूरे भारतवर्ष की भी ले लें कि यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम के आपस की जो सद्भाव है दोनों ही धर्मों में,